क्या हुआ है आपके? बलात्कार हुआ है, रहने वाला है बरवार का। क्या नाम है? सोनू। कब की घटना है? 25 तारीख को रात को। चित्रकूट जिला मऊ कोतवाली के अंतर्गत एक रेप केस का मामला सामने आया है। परिवार वालों का आरोप है कि लड़की 25 तारीख को शाम 7 बजे घर से लैट्रिन गई थी, तभी उसका अपहरण हुआ। अपहरण के बाद उसके साथ रेप हुआ। जब न्याय के लिए मऊ कोतवाली गए तो वहाँ कोतवाली में दरखास्त लिखाने के लिए गए, पता नहीं कोतवाली के अंदर क्या हुआ। लड़की के बाप चिल्ला चिल्ला के रोने लगा, रो रो के भागा सड़क पे। उसी समय 4 पुलिस वाले जबरदस्ती उसको पकड़ ले गए अंदर थाने के अंदर। क्या हुआ, लड़की का बाप अभी तक बेहोश है। मऊ समुदाय स्वास्थ्य केंद्र भर्ती था और इस समय जिला अस्पताल में अभी भी भर्ती है। अभी तक लड़की के पक्ष वालों का न्याय नहीं मिला है। मैं लैट्रिन गई थी, यहाँ से पकड़ ले गए थे। उस समय अकेले गए थे? यस। फिर यहाँ थाने में FIR कब करवाई? कल ही करवा दिए थे पापा। क्या हुआ थाने में आज? कोई कार्रवाई नहीं सुनी जा रही है। पापा को क्या हुआ? पापा को मारे हैं, जबरदस्ती केस लिख पा रहे हैं। मतलब समझौता करवा रहे थे? उस समय आपको काहे से बांध दिए थे? काहे काहे से? ये कपड़ा से बांध थे, दुपट्टा लेके। यस, मुंह पे कपड़ा भी भर दिए थे। कल हमारी लड़की 7 बजे लैट्रिन गई थी तो इसका किडनैप हो गया है। जब हम जानकारी मिली है सुबह बरवार गांव में अरहर के खेत में जो लैट्रिन बाजू के गए थे वो लोग इसे देखे हैं, तो उस हालत में थी। पूरा ये मुंह बांधा हुआ था, ये हाथ इस पैर में बांधा हुआ था, ये हाथ इस पैर में बांधा हुआ था। तो हम पुलिस को जानकारी दिए हैं तो पुलिस पहले यहाँ से जा नहीं रही थी, जाते जाते गई है, घर तक पहुँची नहीं है, वहीं से होकर वापस चली आई है। फिर हम सुबह रात में फिर यहाँ आए हैं मुकदमा दायर करने के लिए, तो कोई हमारी सुनाई नहीं हुई है। जब पिता को बुलवाया गया अंदर ऑफिस में तो जबरदस्ती लिखवा रहे थे कि लिख दीजिए कि मैं ही खुद अपनी लड़की को बांध करके आहर के खेत में मिचकाया हूँ, तो उसने ना ही कर दिया है, तो मारपीट का चालू करने लगे हैं पुलिस लोग, तो उसने चिल्लाने चालू कर दिया है, चिल्लाते हुए बाहर गेट से आ गए हैं। पुलिस आई है तो इधर उधर पैर पकड़े हुए थे, हाथ पकड़े थे, घसीट को ऑफिस में फिर ले गए हैं। जब ऑफिस में ले गए हैं, हम लोग गए हैं तो लेडीज पुलिस हमें ठेल के बाहर कर दिए, अंदर से आवाज़ आ रही थी। जब आवाज़ आना बंद हो गई तो हमें कहें कि आपके साथ कोई कौन आया है कि आप ही लोग हैं, तो हम कहें कि हमारे साथ आओ हैं साथ के हमारे जेठ जी हैं, मांझिल जेठ जी सांझिल, तो उन्हें लिवा कर कहे ले जाइए, इन्हें डॉक्टरी करवाइए। तो हम लेकर ऑटो में लेकर सरकारी अस्पताल में गए हैं, वहाँ उनका इलाज चल रहा है, होश में नहीं आया है, वहाँ से रिफ़र कर दिया गया है। अब उन्हें हम लेकर सोनीपुर या कारबी जो अस्पताल में डॉक्टर कहा है वहीं लेकर जा रहे हैं। वो बड़े साहब ने निकले और लाल टी शर्ट पहन के, वो बोले पकड़ो उनको, भागना पाए। वो 4 पुलिस वाले गए, उसको पकड़ ले गए थाने के जस्ट सामने से आगे से। तो रो रहे थे कि मुझे मेरे साथ गलत हो रहा है। बेचना चल रही है मुकदमा, पंजीकृत दोनों अभियोगों में बेचना चल रही है। जो मुलजिम है उनके लिए क्या अभी तक हुआ सर? अब बेचना चल रही है, बेचना के बाद तो वो होगा ना, वो तो नाम जैसे तिवारी है, बेचना के बाद सत्यता प्रकाश सुनाएंगे। पीड़िता के 171 के 164 के बयान दर्ज किए जा रहे हैं, मेडिकल हो चुका है, अग्रिम विधि कार्रवाई विवेचना उपरांत की जाए। लड़की के बाप के साथ क्या हुआ सर थाने के अंदर के बेहोशी हालत में है, अभी तक अस्पताल में भर्ती हैं? थाने के अंदर कुछ नहीं है, वो उनकी हालत वो बोले कि बोल नहीं पा रहे हैं, ठीक है, उसमें भी अभी जांच होनी चाहिए। अभी तक कोई सूचना वहाँ से नहीं आई है, वो अभी अस्पताल में ही भर्ती हैं, ना अभी कोई जानकारी हमें मिली है कि बोल रहे हैं कि उनकी तबीयत में सुधार हुई है कि नहीं हुई है, इसकी जानकारी अभी हमें नहीं मिली है। नया के पक्ष में न कोई पुलिस वाला कहा है कि आपके नया हो गया आपके साथ, न हमारे साथ नया हुआ है, अभी तक हमारी कार्रवाई नहीं की गई है। यहाँ हमारी सुनवाई नहीं होगी तो हम कागाधिकार भी जाएंगे और कहीं भी जाएंगे, अगर न्याय के लिए हम भीख मांगेंगे। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।